तो फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल आरसीआई आईटी टेक्नोलॉजी। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फ़ोन के बारे में, ठीक है। तो फ़ोन अगर आपका फ़ोन अगर स्लो हो गया है, अगर आप फ़ोन में पासवर्ड डाला हुआ है डाल दिया लेकिन पासवर्ड भूल गए हो, उस टाइम पे आप फैक्ट्री रीसेट करके फ़ोन को ठीक ठाक कर सकते हो। तो कैसे फैक्ट्री रीसेट करोगे ये हम आज दिखाएंगे, ठीक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो अगर अच्छे लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और किसी को ज़रूरत है तो शेयर कर देना, और मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर देना। वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा जो फ़ोन है रियलमी XT का फ़ोन है, ठीक है। रियलमी XT नया फ़ोन है, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए दिखाएंगे एक बार कि मेरा फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा स्लो हो गया है लेकिन वो ठीक हो जाएगा नॉर्मली है, ठीक है। तो हम उसके लिए फॉर्म रिस्टोर करेंगे, फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने के फैक्ट्री से स्टार्ट करने के पहले जो है मेरा जो सिम ट्रे है, सिम ट्रे हम सिम निकल लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर सिम कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम सिम निकल लेंगे, ठीक है। सिम और मेमोरी कार्ड जो है डेटा डिलीट हो सकता है, इसके लिए सिम और मेमोरी कार्ड हम निकल लिया, दोनों ही हम निकल लिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो है पावर बटन इस साइड में है, और एक अप और डाउन एरो, वॉल्यूम अप एंड डाउन एरो इस साइड में है, ठीक है। तो आपका अगर काम फैक्ट्री रीसेट करने के पहले जो बता दे रहा हूँ कि फ़ोन फुल चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। बैटरी को फुल रन कर लेना, ठीक है। अगर बंद करने करते करते बंद हो जाएगा तो फ़ोन पूरा डेट हो सकता है, ठीक है। इसके लिए पहले फुल चार्ज दे देना, ठीक है। और जो है आपका ये जो है ये फ़ोन जो है नया फ़ोन है, इसके लिए फैक्ट्री रिसेट के टाइम पे टच काम करेगा, टच स्क्रीन। लेकिन जो नया पुराना वाला फ़ोन है उसमें टच स्क्रीन काम नहीं करेगा, अप और डाउन एरो दोनों ही करके काम करना पड़ेगा। लेकिन जो फैक्ट्री रिसेट स्टार्ट करने के टाइम पे अप एंड डाउन एरो में आपका डाउन एरो, जो डाउन एरो है, डाउन एरो और पावर बटन एक साथ प्रेस करके रखना पड़ता है 5 सेकंड तक, ठीक है। तो एक साथ ही प्रेस करना पड़ेगा, अगर दोनों अलग अलग प्रेस करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। दोनों एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेस करने से सिस्टम मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, तो उसके टाइम पे वो फैक्ट्री रिसेट का मेनू आएगा, ठीक है। तो इसके पहले फ़ोन बंद कर लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन एरो, याद रहे डाउन एरो, अप नॉट अपर एरो, ठीक है। अपर एरो में काम नहीं करेगा अभी, ठीक है। तो डाउन एरो ही काम कर, डाउन एरो में होता है, ठीक है। तो हम डाउन एरो और अप पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे, ठीक है। फोन ऑन हो गया, देखिए हर फोन में ऐसे ही आता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आता है, सब फोन में ऐसा ही रहता है, डाउन एरो और
पावर बटन दोनों ही प्रेस करना पड़ता है, हर फोन इसमें ही हो जाएगा फैक्ट्री रिसेट। ठीक है, मेरा फिलहाल चार्ज नहीं है, ठीक है, तो कम चार्ज है, तो आप लोगों को दिखा देंगे इसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश और ये दोनों अलग लैंग्वेज है, ऊपर में इंग्लिश है। ठीक है, तो इंटर मतलब पावर बटन एक बार प्रेस करने से इंटर हो जाएगा, जिसमें आप ये ग्रीन है, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज लगेगा, इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे जो है पावर बटन एक बार प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा, टच भी काम करेगा इसमें, लेकिन हम की से काम करेंगे क्योंकि आप लोगों को दिखा रहे हैं इसमें मेरा फ़ोन जो है नया फ़ोन है, इसके लिए टच भी काम करेगा। ठीक, तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए हो गया सिलेक्ट, तो अभी जो है पहले इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल होगा तो सॉफ्टवेयर आप फ्लैश करोगे तो मेमोरी कार्ड में आपका सॉफ्टवेयर जो रियलमी वन का सॉफ्टवेयर है वो डालना पड़ता है, डाल के मेमोरी कार्ड से इसमें अगर आप प्रेस इंटर मारोगे तो मेमोरी कार्ड से ये डेटा लेके फॉर्मेट कर देगा, लेकिन अभी हम फॉर्मेट नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही डेटा मतलब डेटा जो है वो पूरा डिलीट हो जाएगा, हम वही करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिबूट है, रिस्टार्ट और पावर ऑफ मैंने स्विच ऑफ। ठीक है, तो मेरे टच भी काम करेगा, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ इसके लिए मैं की से काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि पुराना वाला फ़ोन पे की काम करता है, टच काम नहीं करता है। तो ये जो है अपर डाउन एरो प्रेस करने से नीच में जाएगा। ठीक है, डाउन होगा, ठीक है, डाउन एरो हम प्रेस कर रहा हूँ तो नीच में आ रहा है, अगर अपर एरो यूज़ करेंगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, वो टच में क्लिक होगा तो हम कैंसिल करेंगे, अगर अपर एरो क्लिक करेंगे तो ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर एरो आ रहा है, डाउन एरो में नीचे जा रहा है। ठीक, तो हम ऊपर ले रहा हूँ और डाउन में नीचे। ठीक है, तो हम वेब डेटा करेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर बटन की एक बार प्रेस करेंगे। ठीक है, उसमें हम प्रेस और डाउन अप एरो क्लिक प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ पावर बटन एक बार। ठीक है, तो मेरा जो फ़ोन है उसमें पासवर्ड दिया हुआ है गूगल ड्राइव में, गूगल में, तो इसके लिए मतलब मेरा फ़ोन जो है वो गूगल लॉक है, इसके लिए मेरे पासवर्ड अभी मांग रहा है। ठीक है, तो अगर आपका फ़ोन गूगल पासवर्ड नहीं दिया हुआ है तो आपका फ़ोन नॉर्मली फॉर्मेट हो जाएगा, गूगल का एक पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, तो हमारा मालूम है मेरा पासवर्ड, तो हम आपको तो नहीं दिखाएंगे, तो हम पासवर्ड दे रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड दे दिया हमने। ठीक है, तो अभी ओके करेंगे हम, सॉरी पासवर्ड भूल दे दिया। पासवर्ड दे दिया, ठीक है, तो वेब डेटा एंड फॉर्मेट डेटा। ठीक है, तो हम एक बार वेब डेटा कर लेंगे। ठीक है, हम टच में काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, अगर पावर बटन भी होगा तो पावर बटन में भी होगा। ठीक है, पावर बटन एक बार प्रेस किया तो हो गया। ठीक है, तो क्लियर हम करेंगे। ठीक है, इसमें भी पावर बटन एक बार प्रेस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, मैं करेंगे टच में करेंगे, ठीक है, हो गया। ठीक, ओके हो गया, तो फिर से हम टच में करेंगे, पासवर्ड दिए, ओके, फॉर्मेट डेटा, ओके, ओके हो गया। ठीक,
फॉर्मेट डेटा करने के बाद ऑटोमेटिक फ़ोन स्विच ऑफ, ओके रिस्टार्ट हो रहा है, तो अभी रिस्टार्ट होगा। तो रिस्टार्ट होने के बाद पहले से जब नया फ़ोन लिए थे उस टाइम पे जो जो सेटिंग चाहे मांगा था तो वही सेटिंग फिर से मांगेगा, ठीक है, हम सेम ही दे देंगे, सेम सेटिंग दे देंगे। आप चेंज करते हो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमारा चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं जो है वही देंगे। तो फॉर्मेट हुआ है, इसके लिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो मेरा वीडियो अभी ख़त्म हो गया, तो रिस्टार्ट होगा तो अभी तो शुरू होने से हम बंद कर देंगे, क्योंकि तो उसमें पर्सनल डेटा है, उसके बाद जो है ईमेल आईडी वगैरह देना पड़ता है, ठीक है, जैसे पहले था ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करने का पहले हम बता दे रहे हैं और एक बार, थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना किसी को ज़रूरत है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और पास में जो बेल बटन है उसमें भी प्रेस कर देना। मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, तो इस जो फ़ोन है मेरा पुराना वाला देखिए आ गया, ठीक है, अभी जो है नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है, पहले यूनाइटेड स्टेट, नेक्स्ट एग्री, मेरा वाईफाई है तो वाईफाई हम अभी कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फ़ोन फॉर्मेट हो गया है, रिस्टोर भी हो गया, पूरा फैक्ट्री रिसेट हो गया, करके दिखा दिया, तो मेरा वीडियो लाइक कर देना, ठीक है, थैंक यू।